गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम प्रकाश राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल इन टीचिंग गुरुकुल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, परागण के प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे। चैप्टर 12 का क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड है और पार्ट सेकेंड हम लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, उसका सेकेंड पार्ट जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन या परागण के प्रकार। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं परागण के प्रकार। सबसे पहले बात करें पुष्पों के प्रकार, तो पुष्प सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी व द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होते हैं वो देखते हैं। एक लिंगी पुष्प वह होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, अर्थात एक पुष्प जिसमें नर जननांग पाया जाता है और दूसरा पुष्प जिसमें मादा जननांग पाया जाता है। मतलब कि ऐसे दो फूल जिसमें एक फूल में नर जननांग और एक फूल में मादा जननांग पाए जाते हैं, तो इसलिए ये जब अलग अलग होते हैं इनको एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है, द्विलिंगी की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है। द्विलिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, अर्थात एक ही पुष्प में नर और मादा जननांग का पाया जाना द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, जब एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों युग्मक, या ये बोलें कि दोनों जननांग अगर पाए जाते हैं एक ही साथ, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए आप फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक लिंगी व द्विलिंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये देखिए द्विलिंगी पुष्प का एक उदाहरण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, गुलहड़ का फूल। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बीच में जो है ये आपका स्त्री केसर है, जिसको हम लोगों ने मादा जननांग बोला है, और इसके जस्ट ऊपर की ओर आपको ये जो येलो कलर के बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है पुंग केसर, जो कि क्या है आपके नर जननांग है। ठीक है, जिनको हम लोगों ने क्या कहा है, पुंग केसर कहा है। तो ये वाला जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प होता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप देख पा रहे हैं कि एक उसमें सिर्फ ओवेरी है, मतलब कि ये वाला जो भाग है ये सिर्फ मादा जननांग वाला भाग है, मतलब ये एक पुष्प ये अलग है जिसके अंदर मादा जननांग वाला पार्ट है, और दूसरा पुष्प ये अलग है जिसके अंदर नर जननांग वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये किसी भी प्रकार से नर जननांग या नर युग्मक इसके ऊपर आ जाए तो यहाँ पर जो है वो निषेचन की प्रक्रिया संभव होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुष्प के कार्य। अगर पुष्प के कार्य की बात करें तो पुष्प का मुख्य कार्य जो है वो लैंगिक प्रजनन द्वारा फल और उसके अंदर के बीजों का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब ये लैंगिक कार्य करने का इनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, परागण की बात करेंगे, परागण क्या होते हैं तो पॉलिनेशन की यदि हम लोग बात करें कि परागकणों के परागकोष से मुक्त होकर, मतलब जो परागकण है वो परागकोष से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के जायांग पर, डेट मीन्स उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, है ना। मतलब कि नर युग्मक जो होता है जिसको हम परागकण कहते हैं, वो परागकण यदि परागकोष से निकल कर दूसरे उसी जाति के पुष्प के, है ना, उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, डेट मीन्स कि मादा जननांग के सबसे ऊपर वाला सिरा जो जिसको हम लोगों ने वर्तिकाग्र कहा है उसके ऊपर आ जाए, तो यहाँ पर की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ट्रांसफर होने की या स्थानांतरण होने की, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसके बाद में। परागण जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वपरागण दैट मीन्स सेल्फ पोलिनाइजेशन पोलिनेशन और पर परागण मतलब क्रॉस पोलिनेशन। आइए सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब एक ही पौधा है और एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए या दूसरे पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुँच जाए तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण। पर परागण की बात करें तो जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे पर परागण कहा जाता है। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले में ये था कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पराग वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो स्वपरागण होता है, लेकिन जब अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, है ना, मतलब उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो उसे पर परागण कहा जाता है।
पर परागण कई माध्यमों से होता है, देखिए क्योंकि पर परागण है क्रॉस पोलिनेशन, और ये एक ही जाति के दूसरे पौधे पर जा रहा है, तो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाना मतलब कहीं ना कहीं इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये कई प्रकार के माध्यम इनमें सहायक होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जैसे वायु है, कीट है, जल है, जंतु है, इन सभी के कारण जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे वायु परागण मतलब वायु के माध्यम से जब हवा तेज चलती है तो कई सारे परागकण परागकोष से निकलकर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं, इसको वायु परागण कहते हैं। कीट परागण मतलब कीटों के माध्यम से, ठीक है, जब एक कीट जो है वो एक पौधे से लेकर दूसरे पौधे, दूसरे से लेकर तीसरे पौधे पर जाता है, तो उनके शरीर के किसी भी भाग पर परागकण यदि चिपक जाए और वो उनके दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो इससे हम लोग जो है परागण कहते हैं, और ये वाला जो परागण है वो कीट परागण कहलाता है। जल परागण डैट मीन्स जल के द्वारा परागण होना है ना, जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं और उनमें जो पुष्प होते हैं, ठीक है, तो नर जो जननांग है जिसको हम लोगों ने युग्मक परागकण कहा है, वो एक स्थान से बहकर दूसरे पुष्प उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि आ जाए तो उस प्रकार के परागण को जल परागण कहते हैं। जंतु परागण जो कि जानवरों के माध्यम से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जब जानवर जाते हैं, ठीक है, तो उसको जंतु परागण कहा जाता है। पक्षी परागण मतलब पक्षियों के माध्यम से होता है, जब पक्षी एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल, और इस प्रकार से कई फूलों पर बैठता है, और अगर वो किसी कारणवश उसी जाति के पुष्प पर बैठ गया, ठीक है, तो यहाँ पर जंतु परागण पक्षी परागण होगा। ठीक है, एक इसमें जो है मेलेनोफिलस परागण भी होता है जिसको घोंगे द्वारा परागण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चमगादड़ों द्वारा भी परागण होता है। तो ये कई प्रकार के माध्यम है परागण के, जिनके माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण जो है संभव हो पाता है। ठीक है, स्व परागण के लिए तो जरूरत ही नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें तो स्व परागण के भी दो प्रकार है। ठीक है, तो स्व परागण में एक तो स्वयुग्मक है, दूसरा सजात पुष्पी परागण। तो आइए समझते हैं कि स्वयुग्मक और सजात पुष्पी परागण क्या होता है ना। वैसे दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कि इस प्रकार के स्व युग्मक की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो उसे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, स्वपुष्प या स्वयुग्मक परागण कहते हैं। मतलब एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुंच जाए तो स्वयुग्मक परागण कहते हैं। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर बात वही आ गई थी जो हमने स्वपरागण में कहा था, लेकिन स्वपरागण में जो दोनों अलग अलग चीज़ें थी उनको यहाँ पर थोड़ा सा विभाजित कर दिया और दोनों को अलग अलग बता दिया। ठीक है, तो स्वपरागण के ये दो प्रकार हैं, स्वयुग्मक और सजात पुष्पी युग्मक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से परागण हो रहा है। देखिए स्वपरागण में क्या बोला है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि पहुँच जाए तो उसे स्वपरागण कहा जाता है, या फिर एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुँच जाए तो इसे भी स्वपरागण कहा जाता है। मतलब ये स्वपरागण का एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। पर परागण की बात करें तो ये देखिए दोनों की जाति एक, इन दोनों की जाति एक ही है पुष्पों की, है ना, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँच जाए उसी पौधे के, है ना, उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर, तो इस प्रकार का जो परागण होगा वो पर परागण कहलाएगा या क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इसी को हमने दो भागों में विभाजित किया था, आपको बता ही चुका हूँ। और ये वाला जो है वो किसके माध्यम से होगा, ये जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, पक्षियों जंतुओं के माध्यम से पर परागण जो है वो संभव होगा। तो ये थे परागण के प्रकार। ठीक है, इसी का हमारा नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीचिंग गुरुकुल। थैंक यू सो मच।